हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके देखने वाले हैं। तो स्टैटिक जीके यानी कि वो जीके जो चेंज नहीं होती है। स्टैटिक जीके आपकी हर एक एग्जाम में मिलेगी, जिसमें भी आपका जीके का पोर्शन आता है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, अभी एचसीएस आया है, एचसीएस, यूपी का पीएससीएस होता है, बिहार का पीसीएस होता है, या किसी भी स्टेट का पीसीएस है, या आपका एसएससी, बैंकिंग, आपके टीचिंग एग्जाम में भी जहां पर भी आपका जीके का पोर्शन आता है, तो ये आपका स्टैटिक जीके वहां देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है देश और उनकी मुद्राएं, कंट्री एंड देयर करेंसीज, देश और उनकी मुद्राएं। ये टॉपिक आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से पहले मिल जाए। और जो लोग पुराने हैं, वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर। और जो लोग हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं जुड़े हैं, 8447410108 ये हेल्पलाइन नंबर है। इस नंबर पर आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपने एग्जाम का नाम लिखकर हमें सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके एग्जाम से रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आईएएस, पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, टीचिंग एग्जाम, सीटेट, ट्रिपल एसबी, केवीएस, एनवीएस, यूजीसी, नेट, तो आप सेम हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सारी की सारी मुद्राएं नहीं देखेंगे हम, कि जितनी भी कंट्री है सबकी मुद्राएं देखें, जो मेन मेन मुद्राएं हैं और जो मेन मेन कंट्रीज हैं जो आती हैं वो देखेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। ऐसा नहीं कि कई जगह पर आप देखोगे सिर्फ रुपए की है, सिर्फ डॉलर है, या सिर्फ पीजो है, रियाल है, दिनार है। हम जो भी इंपॉर्टेंट है, जिनकी ट्रिक बन पाई, वो सारी हम यहाँ पर देखेंगे, जो पिछले एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि करेंसी यानी कि ये मुद्रा होती क्या है। तो मुद्रा, आप कोई भी सर्विस ले रहे हैं या आप कोई भी गुड्स ले रहे हैं, यानी कि कोई भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं या फिर आप कोई सेवा ले रहे हैं, कोई सर्विस ले रहे हैं, तो उसको आप क्या देंगे? मुद्रा देते हैं, करेंसी देते हैं, रुपए देते हैं। तो जो आप उनको मॉनेटरी बेनिफिट देते हैं वो बेसिकली मुद्रा है। अब अगर आप इंडिया में है तो आप रुपए में देंगे, यूएस में है तो आप डॉलर में देंगे, ठीक है, कतर में है रियाल में देंगे, तो इस तरीके से आपका अलग अलग रहता है। तो इस जो भारत का अगर रुपए हम देखें, तो पहले हम कैसे लिखते थे? ऐसे लिखते थे रुपए। और आजकल हम कैसे लिखते हैं? ये वाला सिग्नेचर है हमारा रुपए का। तो ये जो रुपए का साइन है, ये कब इंडिया का बना? ये हमारा रिसेंटली बना था, आज से 10 साल पहले 15 जुलाई 2010 को बना था ये वाला साइन। और ये साइन किसने दिया था? आईआईटी गुवाहाटी के प्रोफेसर ने ये दिया था। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि इंडिया का है तो ये आपको थोड़ा सा फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। अब टॉपिक पर आते हैं, मुद्रा। सबसे पहले इंडिया के रुपए की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम जो ट्रिक देख लेते हैं वो हम देख रहे हैं यहां पर रुपए। रुपए कहीं पे रुपी, कहीं पे रुपया, इस तरीके से अलग अलग जगह ये बोला जाता है। तो आप इसको रुपए लिख लो, या फिर आप इसको जैसे हम लिखते हैं इंडिया में रुपी लिख लो, किस भी तरीके से आप इसको लिख लो। तो एक बात और, जैसे भारत में है, भारत में रुपया है, नेपाल में नेपाली रुपया हो जाएगा। तो लेकिन जो मुद्रा है आफ्टर ऑल सेम रहेगी, रुपा रहेगी। तो आपको ऑप्शंस में से रुपए ही जहां पे मुद्रा होगी वही आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, अगर ये वाली कंट्रीज पूछे जाएंगे जो हम ट्रिक के माध्यम से भी देखेंगे। तो रुपए को याद करने की ट्रिक क्या है? भाई ने मामा श्री से गाजर पाक मांगा। ठीक है, ये ट्रिक है, भाई ने मामा श्री से गाजर पाक मांगा। तो अब इसमें क्या क्या बन जाएगा? सबसे पहले भा हमारा इंडिया, भारत। ई से बन जाएगा इंडोनेशिया,
ने से बन रहा है नेपाल, मा से बनेगा मॉरिशियस, एक और मा है तो बन जाएगा मालदीव, श्री से बन जाएगा श्रीलंका, से बन जाएगा सेसेल्स, पाक से बन जाएगा पाकिस्तान जी। ठीक है, ये हमारी रुपए की मुद्रा होगी। तो अगर क्वेश्चन आता है रुपए मतलब इनमें से कोई भी कंट्री, तो आप ऑप्शन रुपए टिक करोगे। तो ट्रिक कैसे याद रखने की, भाई ने मामा श्री से गाजर पाक मांगा, तो भार से बन गया भारत, ई से इंडोनेशिया, ने से नेपाल, मा से मॉरिशियस, मा से मालदीव, श्री से श्रीलंका, से सेसेल्स, पाक से पाकिस्तान। ये आपकी कंट्रीज है जो बन गई है रुपए की। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं ताकि आपको याद रह जाए। ट्रिक का नाम क्या है, भाई ने मामा श्री से गाजर पाक मांगा, भाई ने मामा श्री से गाजर पाक मांगा। तो भा से भारत, ई से इंडोनेशिया, ने से नेपाल, मा से मॉरिशियस, मा से मालदीव, श्री से श्रीलंका, से सेसेल्स और पाक से पाकिस्तान। ये हमारी जो ट्रिक हो गई है, ये हमारी किसकी ट्रिक हो गई है, रुपए की। तो इन सभी कंट्रीज जो भी आप ये सारे देश देख रहे हैं, इन सब की जो मुद्रा है वो क्या है, आपकी रुपए है। तो ये ट्रिक्स अगर आपकी नोट हो गई हो, तो नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कौन सी मुद्रा की हम यहाँ पर बात करेंगे। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं डॉलर। डॉलर मुद्रा की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो डॉलर मुद्रा को याद रखने के लिए जो ट्रिक है वो आपकी क्या है, बाबूजी आज तक, बाबूजी आज तक सीवन सेंट लगाते हैं, बाबूजी आज तक सीवन सेंट लगाते हैं। ये मुद्रा हमारी कौन सी है, ये मुद्रा है हमारी, तो ये हमारी जो ट्रिक है वो है हमारी मुद्रा डॉलर के लिए। तो करेंसी कौन सी है यहाँ पर, डॉलर। तो क्या क्या बन जाएगा, बासे, बारबाडोस, बूसे, ब्रुनेई, उसके बाद जी, जी से बनेगा जिम्बाब्वे, फिर उसके बाद है आज तक, आज से बनेगा अमेरिका, जिसको आप यूएस से बोलते हो, और इसी आज से एक और कंट्री बन जाएगी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उसके बाद जैसे जैमका, जमैका, ठीक है, जैसे बना हमारा जमैका, फिर तैसे बना ताइवान, फिर उसके बाद है आगे हमारा सी, सी से बना सिंगापुर, ने, ने से बना न्यूजीलैंड। अब जो ये आप सेंट देख रहे हैं, इससे तीन कंट्री बनेगी, सेंट विंसेंट, सेंट किट्स और सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट, सेंट किट्स और सेंट लूसिया, ये हमारी मुद्रा यहां पर बन जाएगी। उससे आगे लेफ्ट, लेफ्ट से हमारा बनेगा लाइबेरिया। तो अगर डॉलर की जो ट्रिक है वो क्या है, बाबूजी आज तक सीवन सेंट लगाते हैं, ये डॉलर की ट्रिक है। यहाँ पर मैक्सिमम कंट्रीज हमने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। तो बा से बारबाडोस, बू से ब्रुनेई, जी से जिम्बाब्वे, आ से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, जैसे जमैका, तैसे ताइवान, सी से सिंगापुर, ने से न्यूजीलैंड, सेंट से सेंट विंसेंट, सेंट किट्स, सेंट लूसिया और ले से बन गया हमारा लाइबेरिया। तो ये है हमारी डॉलर की ट्रिक। दो बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्या है ट्रिक, बाबूजी आज तक सीवन सेंट लगाते हैं, बाबूजी आज तक सीवन सेंट लगाते हैं, बा से बारबाडोस, बू से ब्रुनेई, जी से जिम्बाब्वे, आ से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, जैसे जमैका, तैसे ताइवान, सी से सिंगापुर, ने से न्यूजीलैंड, सेंट से हमारा बना सेंट विंसेंट, सेंट किट्स और सेंट लूसिया, और ले से बना हमारा लाइबेरिया।
तो ये है डॉलर की ट्रिक। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारी ट्रिक है वो है आप लोगों की पीजो, पैसो बोलते हैं, पीजो बोलते हैं, यही हमारी नेक्स्ट ट्रिक है। पीजो या पैसो, ठीक है, ये हमारी नेक्स्ट ट्रिक है। नेक्स्ट ट्रिक हमारी नेक्स्ट मुद्रा की क्या है, नेक्स्ट करेंसी जो हमारी पीजो है, इसकी ट्रिक क्या है, अर्जेंटीना में एक कॉफी और चाय, अर्जेंटीना में एक कॉफी और चाय, ये हमारी क्या है, ये हमारी नेक्स्ट करेंसी की ट्रिक है। और नेक्स्ट करेंसी हम कौन सी पढ़ रहे हैं, पीजो। ट्रिक क्या है, अर्जेंटीना में एक कॉफी और चाय, क्या है, अर्जेंटीना में एक कॉफी और चाय। तो अर्जेंटीना तो सेम नाम यहीं से आ जाएगा, अर्जेंटीना। नेक्स्ट है मे से हमारा बनेगा मैक्सिको। नेक्स्ट हमारी है एक कॉफी और चाय, तो कैसे हमारा बनेगा, क्यूबा और कॉफी, कॉफी में कहां से बनेगा, कोलंबिया, और फी से बनेगा फिलीपींस, इससे बन गया कोलंबिया और फी से बन गया फिलीपींस, ठीक है। उसके बाद और चाय, और यहां से आपको ऊ निकालना है, उरुग्वे, और चाय से बन गया फिर से चिली, ठीक है। तो नेक्स्ट करेंसी हमारी क्या है, पीजो, पेसो। इसकी ट्रिक क्या है, अर्जेंटीना में एक कॉफी और चाय, अर्जेंटीना से बन गया अपना अर्जेंटीना, मे से बन गया मैक्सिको, कैसे बना क्यूबा, को से बना कोलंबिया, फी से बना फिलीपींस, ऊ से बना उरुग्वे, और चे से बना चिली। ये कंट्रीज है जो आपकी करेंसी क्या है, पीजो करेंसी है। अर्जेंटीना में एक कॉफी और चाय, अर्जेंटीना से अर्जेंटीना, मे से मैक्सिको, कैसे क्यूबा, को से कोलंबिया, फी से फिलीपींस, ऊ से उरुग्वे, चे से चिली। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, अर्जेंटीना से अर्जेंटीना, मे से मैक्सिको, कैसे क्यूबा, को से कोलंबिया, फी से फिलीपींस, उसे उरुग्वे, और चे से बना चिली। तो तीन करेंसी हमने यहाँ पर करनी है, और लगभग हमने 20 से 30 कंट्री यहाँ पर कवर करनी है। तो 20 से 30 कंट्री हम अभी तक याद कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कौन सी है, नेक्स्ट करेंसी की बात करें तो नेक्स्ट करेंसी है हमारी यूरो। यूरो की हम बात कर रहे हैं, और इसकी ट्रिक क्या है, ऑस्ट्रिया में फंसे पवन मनीषा, ऑस्ट्रिया में फंसे पवन मनीषा, आई लव यू जी, ठीक है, ऑस्ट्रिया में फंसे पवन मनीषा, आई लव यू जी। तो ये ट्रिक किसकी है, यूरो की है। यूरो की ट्रिक क्या है, ऑस्ट्रिया में फंसे पवन मनीषा, आई लव यू जी, ये ट्रिक है। इससे भी आपकी मैक्सिमम कंट्रीज कवर हो जाएंगी। तो एक एक करके देख लेते हैं, ऑस्ट्रिया से बना हमारा, ऑस्ट्रिया से तो ऑस्ट्रिया है ही, ठीक है। इस आ से एक और कंट्री बनेगी, और वो हमारी बन रही है आयरलैंड, ठीक है। उसके बाद में फंसे, फैसे भी हमारी दो कंट्री यहां पर बनेगी, वो है फिनलैंड और फ्रांस, ठीक है। फिर उसके बाद से स्पेन, उसके बाद है पवन, पैसे बनेगा पुर्तगाल, वैसे बनेगा वेटिकन, ठीक है।
उसके बाद मनीषा में मैं से बना माल्टा, नी से बना नीदरलैंड, सा से बना साइप्रस। उसके बाद है आई लव यू जी, तो आई से बना इटली, ये ई से बना आपका इटली। फिर लव यू जी में ले से बना लातविया और लक्सबर्ग, लातविया और एक होता है लक्जमबर्ग। ये हमारा किससे बन गया, ले से बन गया लातविया और लक्जमबर्ग। इसके बाद है हमारा वैसे बना, ये वैसे आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, इसमें है बेल्जियम। यू से बना यूनान और जैसे बना जर्मनी, ये ट्रिक है। इसमें भी जो ये सारी की सारी ट्रिक है ये है कि सेंटेंस छोटा रहे और कंट्रीज मैक्सिमम कवर हो जाएं। इसमें आप देखोगे तो लगभग हर एक वर्ड से कोई ना कोई कंट्री आ रही है, ठीक है। तो ये सारी ट्रिक इसी तरीके से बनाई गई है ताकि आपको लंबी लंबी ट्रिक याद ना करनी पड़े, क्योंकि अगर आपको लंबी लंबी लाइन याद करनी पड़े तो शॉर्ट ट्रिक का फायदा क्या है ना। तो यहाँ पे यूरो के लिए आपको क्या ट्रिक याद रखनी है, ऑस्ट्रिया में फंसे पवन मनीषा आई लव यू जी, अगर आप यहाँ पे लव कर रहे ना तो बेल्जियम की बिल्कुल सही बन जाएगी। तो आप उस हिसाब से देखना कि हिंदी कम आती है और क्या है, ऑस्ट्रिया में फंसे पवन मनीषा, सा करना यहाँ पे, शह सा कौन वाला नहीं करना, ठीक है। ऑस्ट्रिया में फंसे पवन मनीषा आई लव यू जी, ये क्या है, ये ट्रिक है अपनी यूरो के। तो आ से बना ऑस्ट्रिया और आयरलैंड, ऐसे बना फिनलैंड और फ्रांस। तो आयरलैंड और फिनलैंड देखो सिमिलरिटी है, तो इस तरीके से आपको याद रख लेना है कि क्या है, यूरो है, एक की भी याद रहेगी तो दोनों की याद रह जाएगी। आ से ऑस्ट्रिया और आयरलैंड, फैसे फिनलैंड और फ्रांस, सैसे बना स्पेन, पैसे बना पुर्तगाल और वैसे बना वेटिकन, मैं से बना माल्टा, नी से बना नीदरलैंड, सा से बना साइप्रस, ई से बना इटली, ले से बना लातविया और लक्जमबर्ग, वैसे बना बेल्जियम, यू से बना यूनान, जैसे बना जर्मनी। थोड़ी सी लंबी है लेकिन मैक्सिमम कंट्री कवर हो गई है तो इससे आपको एग्जाम में परेशानी नहीं होगी। ऑस्ट्रिया में फंसे पवन मनीषा आई लव यू जी, आ से क्या बनना है हमारा, आ से बनना है दोस्तों हमारा ऑस्ट्रिया और आयरलैंड, में फंसे फैसे बनना है हमारा फिनलैंड और फ्रांस, से बनना है स्पेन, पैसे बनना है पुर्तगाल, वैसे बना है वेटिकन। फिर आगे आ गया मनीषा, मनीषा में एम से बना माल्टा, नी से बना नीदरलैंड, सा से बना साइप्रस और ले से बना लातविया और लक्जमबर्ग, बे से बना बेल्जियम, यू से बना यूनान और जी से बना जर्मनी, जैसे बना जर्मनी। तो ये हमारी हो गई यूरो की ट्रिक, एक बार फिर से करते हैं ताकि याद रह जाए। ऑस्ट्रिया में फंसे पवन मनीषा आई लव यू जी, आ से बना और आयरलैंड और ऑस्ट्रिया, फैसे बना फिनलैंड और फ्रांस, सैसे स्पेन, पैसे पुर्तगाल, वैसे वेटिकन, मैं से माल्टा, नी से नीदरलैंड, सैसे स्पेन, ई से इटली, ले से लातविया और लक्जमबर्ग, बे से बना हमारा बेल्जियम, यू से बना यूनान और जे से बना जर्मनी। ये थी हमारी यूरो की ट्रिक। तो यहाँ तक हम चार करेंसी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट करेंसी कौन सी है हमारी, हमने यहां तक रुपया पढ़ चुके, हम डॉलर पढ़ चुके, पीजो पढ़ चुके और यूरो पढ़ चुके। नेक्स्ट है दोस्तों हमारी पाउंड, पाउंड सीमा सासू से मिल आई, ये है पाउंड की ट्रिक। ये याद ना रहे कि कौन सी सीमा सासू से मिला है, कौन सी थी, किस करेंसी की थी, तो पाउ पाउ छो सासू मां पैर छो, ठीक है, इस तरीके से आप याद रखिएगा पाउ पाउ लाकर जब भी। तो सीमा सासू से मिल आई, सीमा सासू से मिल आई, ये क्या है हमारी पाउंड की ट्रिक है। तो इसमें सी से बना सीरिया, सीरिया, सासू, सासू में सू से बना सूडान, ज्यादातर सह। तो उसके बाद मी, मी से बना मिश्र, ल से बना लेबनान,
है, लेबनान, और ई से हमारा बना इंग्लैंड, जिसको आप यूके भी बोलते हो, यूनाइटेड किंगडम, जिसको आप ग्रेट ब्रिटेन भी बोलते हो, तो ये सब एक ही के नाम है, ठीक है। पाउंड की ट्रिक क्या है, सीमा सासू से मिल आई, सीमा सासू से मिलाई, ये कौन सी करेंसी पढ़ रहे हैं हम, पांचवी करेंसी पढ़ रहे हैं, सीमा सासू से मिलाई, सी से बना सीरिया, सू से बना सूडान, मी से बना मिस्र, ले से बना लेबनान, और ई से बना इंग्लैंड, पांच ही कंट्री याद तो करनी है। पाउंड में सीमा सासू से मिलाई, सी से बना सीरिया, सू से बना सूडान, मी से बना मिस्र, ले से बना लेबनान, और ई से बना हमारा इंग्लैंड, यूके, ग्रेट ब्रिटेन, जिस भी नाम से आप जानना चाहें वो नाम। तो एक बार फिर से, सीमा सासू से मिलाई, सी से सीरिया, सू से सूडान, मी से मिस्र, ले से लेबनान, ई से इंग्लैंड, यूके या ग्रेट ब्रिटेन, जो भी आप इसको नाम देना चाहें। तो ये जो हमारी होगी पांचवी करेंसी, इसके बाद भी बची है, बिल्कुल बची है जी, अभी तीन चार और बची है जो हमें इंपॉर्टेंट करनी है। चलिए नेक्स्ट, रियाल, नेक्स्ट जो है वो क्या है, रियाल। तो जो लोग नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो बाद में जुड़े हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। हेल्पलाइन नंबर ऊपर मेंशन है, इस नंबर पर आप अपना नाम, शहर का नाम, एग्जाम का नाम लिखकर हमें मैसेज कर सकते हैं, हमसे व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं, और इसके अलावा टेलीग्राम के थ्रू जुड़ने के लिए आप स्टडी पोर्टल जीके ऑफिशियल चैनल को सर्च करके जुड़ सकते हैं। चलिए अब रियाल की ट्रिक क्या है वो देख लेते हैं। अब हमने पांच ट्रिक कर ली है, रियाल की बात कर रहे हैं, रियाल की बहुत ही इजी ट्रिक है, व्हाट इज दिस, इट्स ओके, इट्स ओके। तो क्या ट्रिक है रियाल की, इट्स ओके, इट्स ओके, ये नीचे बन जाएंगे हमारे। चलो जी फिर बना लेते हैं, कौन कौन से कंट्री हैं, ई से ईरान, ई से ईरान, एस से सऊदी अरबिया, सऊदी अरब, ज्यादातर जो मुस्लिम कंट्री हैं उनकी रियाल है, तो इस तरीके से भी आप गेस कर सकते हैं, और ट्रिक भी बहुत छोटी सी है, इट्स ओके, तो उसकी तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। ओ से ओमान, कैसे कतर, और वाई से हमारा क्या बच जाएगा, यमन, है ना। तो ज्यादातर जो हमारी कंट्रीज हैं मुस्लिम कंट्रीज, ज्यादातर उसमें है ये। तो आई से ईरान, एस से सऊदी अरबिया, ओ से ओमान, के से कतर, और वाई से यमन, ये है हमारी रियाल की ट्रिक, इट्स ओके, इट्स ओके, ये सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक है रियाल की। आई से हमारा क्या बना ईरान, एस से हमारा क्या बना सऊदी अरबिया, ओ से हमारा बना ओमान, के से बना कतर, और वाई से बना यमन। आई से बना ईरान, एस से बना सऊदी अरबिया, ओ से बना ओमान, के से बना कतर, और वाई से बना यमन, ठीक है। एक बार फिर से, इट्स ओके, आई से ईरान, एस से सऊदी अरबिया, ओ से ओमान, के से कतर, और वाई से यूनान, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। नेक्स्ट पढ़ लें, नेक्स्ट है हमारी दिनार, दिनार, दिनार की भी बहुत ही सिंपल ट्रिक है, और वो क्या है, वी के इन जे, बी के इन जे, ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, बी के इन जे, तो बै से बना बहरीन, कैसे बना कुवैत, बी से बना बहरीन, के से बना कुवैत, अब बच गया जे, जे से बना जॉर्डन, ए से बना अल्जीरिया, उसके बाद आई, आई से बना इराक, और ले से बना हमारा लीबिया। ये है बी के एंजल की क्या है, बी से
बहरीन, के से बना कुवैत, जे से बना जॉर्डन, ए से बना अल्जीरिया, ई से बना इराक और ने से बना लीबिया। बी के इंजे, बी से बहरीन, के से कुवैत, जैसे जॉर्डन, ए से अल्जीरिया, आई से इराक और ने से बना लीबिया। तो ये हमारी थी किसकी, ये हमारी थी दिनार की। नेक्स्ट जो हमारी है वो है क्रोन। क्रोन क्रोन के लिए क्या ट्रिक है, सीडी सिंह सीडी से गाना सुन लो, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं क्रोन सीडी सिंह। तो सी से हमारा क्या बनेगा, सी से बनेगा चेस रिपब्लिक, सी से बना हमारा चेस रिपब्लिक। डी से बना डेनमार्क, अब हमारे पास बच गया सिंह। एस से बना स्वीडन, आई से बना आइसलैंड, एन से बना नॉर्वे और हमारे पास क्या बच गया जी, जी से हमारा क्या बना ग्रीनलैंड। आइसलैंड और ग्रीनलैंड एक है, आयरलैंड और फिनलैंड की एक है, ठीक है। सी से बना चेक रिपब्लिक, डी से डेनमार्क, एस से स्वीडन, आई से आइसलैंड, एन से नॉर्वे और जी से हमारा बन गया ग्रीनलैंड। ये हमारी कौन सी ट्रिक है, क्रोन की। एक लास्ट बच गई है, फटाफट से कर लेते हैं। तो इस वीडियो को आप लाइक करें और जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं की है और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना आप इसको शेयर करें। आगे है शिलिंग। शिलिंग ये है एक नई, शिलिंग शिलिंग का है कास्ट, शिलिंग में है शिल, चिलिंग मान लो यहाँ पे शिलिंग है, तो शिलिंग को इस तरीके से चिल हो रहा है, तो ज्यादा चिल हो गया तो क्या हो जाएगा, कास्ट हो जाएगा। तो ये इसकी ट्रिक है। कैसे केन्या, उसे उगांडा, एस से क्या बना सोमालिया और टी से तंजानिया, सोमालिया और टी से तंजानिया। तो यहां पे शिलिंग यानी कि आप ऐसा याद रखना, शिलिंग यानी कि चिलिंग, बहुत ज्यादा ठंड हो जाएगी तो क्या हुआ कष्ट। तो के से बना केन्या, यू से बना उगांडा, एस से बना सोमालिया और टी से बना तंजानिया, ये इसकी ट्रिक है। इसके साथ ही दोस्तों हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करेंसी यहाँ पर डिस्कस की हैं और 8 करेंसी में हमने लगभग 60 से 70 कंट्री जो है यहाँ पर कवर कर ली हैं, ताकि आपके एग्जाम में कुछ भी आ जाए आप लोगों को वो आता हो, कोई भी करेंसी हो। ज्यादातर आप शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियोस देखेंगे या फिर आप कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे शॉर्ट ट्रिक्स में आपको मिलेगा। तो ये जैसे शिलिंग है, क्रोन है, दिनार है, रियाल है, ये सारी ट्रिक नहीं मिलती है। ज्यादातर क्या पढ़ाया जाता है, रुपए, डॉलर, पीजो, यूरो, इन चार पे खत्म हो जाता है। लेकिन हमने यहाँ पे कोशिश की ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कंट्री और ज्यादा से ज्यादा जो मुख्य करेंसीज है वो यहाँ पर सारी की सारी कवर हो जाए, ताकि आप किसी भी लेवल का एग्जाम दो आपको ये हेल्पफुल रहे हर एक एग्जाम के लिए, जिस भी एग्जाम में आपका जीके का पोर्शन आता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कम से कम अपने 10 दोस्तों और 5 व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुपों में जरूर शेयर करें। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और जो लोग पुराने हैं वो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो जो जिन्होंने अगर अभी तक हमारे साथ व्हाट्सएप पर नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8447410108। इस हेल्पलाइन नंबर पर आप अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपने एग्जाम का नाम लिख के हमें भेज सकते हैं। और टेलीग्राम पे आप स्टडी पोर्टल, जीके ऑफिशियल के नाम से सर्च करके आप हमसे वहां पर भी जुड़ सकते हैं। और अगर आप घर बैठकर तैयारी करते हैं, सेल्फ स्टडी में बिलीव करते हैं, तो आप घर बैठे स्टडी मटेरियल ऑर्डर कर सकते हैं। सेम हेल्पलाइन नंबर पर आपको कॉल करना है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, CTIIT, SSC, बैंकिंग, कोई भी एग्जाम हो, आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप नोट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।